नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। रोज की तरह आज भी हम सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए। जल्दी से जल्दी आप सभी लोग जुड़ जाइए और सेशन को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं, क्योंकि सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए तो हम विचार पढ़ लेते हैं। विचार क्या है आज का? विचार है कामयाबी का जुनून होना चाहिए, फिर मुश्किलों की क्या औकात है। जब आपके अंदर कामयाबी का जुनून भर जाएगा तो मुश्किल क्या किसी भी चीज़ की कोई औकात नहीं रहेगी। आप हर मुश्किल को पार कर जाएंगे, लेकिन क्या आपको भरना होगा अपने अंदर कामयाबी का जुनून, ऐसा जुनून, ऐसा पागलपन जो आपको उस हद तक ले जाए कि आप कामयाब हो जाएं। ऐसा जुनून होना चाहिए आपको, फिर मुश्किल मुश्किल नहीं लगनी चाहिए। कोई मुश्किल आए तो आने से पहले उसको ये लगे यार इसके पास क्या जाना, ये परेशानी नहीं होता। मुश्किल अक्सर उन लोगों के पास बहुत आती हैं, उन लोगों की लाइफ में परेशानियां बहुत ज़्यादा आती हैं जो परेशानियों से बहुत ज़्यादा डरते हैं, लेकिन जो परेशानियों का सामना करना जानते हैं उनकी लाइफ में परेशानी बहुत कम आती हैं, क्योंकि परेशानियों को भी पता है भाई जाके क्या करेंगे, ये दिल पे लेने वाला है ही नहीं इंसान। तो इसलिए परेशानियों को दिल पे मत लीजिए, जुनून बना लो अपने अंदर कि भाई हमें कामयाब होना है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। परेशानियाँ कितनी भी आओ हम इन्हें कूद के बाहर निकल जाने हैं। ठीक है, चलिए आप सब लोग जानते हैं आज क्या है, हिंदी दिवस है भाई। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। और ये बहुत ही गर्व की बात है कि हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहां हिंदी को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। भाई ये हमारी मातृभाषा है और इसको सम्मान मिलना भी चाहिए। निज भाषा का नहीं गर्व जिसे, क्या प्रेम देश से होगा उसे, वही वीर देश का प्यारा है हिंदी ही जिसका नारा है। जिसे अपनी मातृभाषा से प्यार नहीं होगा उसे किसी भी चीज़ से प्यार नहीं होगा, उसे देश से क्या प्यार होगा जिसे अपनी मातृभाषा से ही प्यार नहीं है। जिस भाषा से तुम बोलना सीखे हो कम से कम उस भाषा से प्यार करो। ठीक है, दो शब्द इंग्लिश के सीख लिए आपने तो उस भाषा का तिरस्कार मत करो, उस भाषा को छोटी मत समझो। हिंदी भी क्योंकि बहुत लोगों को नहीं आती है तो उस भाषा को सदैव ऊपर रखो और उसका सम्मान करो। जिस भाषा से आपने बोलना सीखा है, संप्रेषण करना सीखा है, दूसरों के सामने खुद को रखना सीखा है, उस भाषा को सम्मान दो। ठीक है, माँ की तरह ममता है हिंदी, पिता की तरह छाया है हिंदी, हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, भारत माँ की शान है हिंदी। इसीलिए हिंदी दिवस की बहुत 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 बधाई। ठीक है, हमें खुश होना चाहिए कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ हिंदी को सम्मान मिलता है, और आप भी सम्मान दीजिएगा। ठीक है, ये ऐसी भाषा है जिसमें बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिना कहे भी समझ लेते हैं लोग। होठ खामोश थे सिसकियाँ कह गईं, द्वार बंद थे खिड़कियाँ कह गईं, कुछ हमने कहा कुछ हिंदी कह गई, जो ना कह पाए वो हिचकियाँ कह गईं। ऐसी भाषा है हमारी जहाँ सिसकियाँ, खिड़कियाँ और हिचकियाँ ऐसे शब्दों के भी मायने होते हैं। इन शब्दों से भी बहुत ज़्यादा पता चल जाता है हमें, सिसकियाँ भरने से हमें पता चल जाता है कोई इंसान परेशानी में है। ऐसी भाषा पे आपको बहुत ज़्यादा गर्व होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, थ किस वर्ग का व्यंजन है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए भाई, थ किस वर्ग का व्यंजन है? ओष्ठ है, तालव्य है, दंतव्य है या ऊष्म है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। दंतव्य नहीं है भाई, दंत है। ठीक है, चलिए आंसर दीजिएगा जल्दी से, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? थ जो है, थ, ये क्या होते हैं?
ओस्ट नहीं होते, ओस्ट क्या होते हैं, पै फै बै भै मै, ये ओस्ट होते हैं। तालव्य क्या होते हैं, च छ जै झ इया, ये भी तालव्य होता है, स भी तालव्य होता है, ओनली ये वाला से सैसल जम वाला से, ठीक है। और ई ये भी तालव्य होता है, ठीक है। उष्म आपको पता ही है, स स स है, ये उष्म व्यंजन होते हैं। सी ऑप्शन यहाँ सही है हमारा, थ जो है वो दंत है, ठीक है। चलिए प्रश्न है हमारा, पनग का पर्यायवाची शब्द है, पनग का समानार्थी शब्द पूछा है भाई, क्या है जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए भाई, समानार्थी शब्द पूछा है पनग का। उरग होगा, पिक होगा, पिनाक होगा या केसरी होगा। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा, पिग किसका होता है, कोयल का होता है, पिनाक किसका होता है, धनुष का होता है, केसरी सिंह को कहते हैं, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। उरग और पिनग दोनों किसके होते हैं, समानार्थी सर्प के, नाग के, सांप भी कह सकते हैं, भुजंग भी कह सकते हैं, विषधर भी कह सकते हैं। विषधर और भुजंग दोनों ऐसे शब्द हैं जो शिव के भी पर्यायवाची होते हैं और सांप के भी पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न है हमारा, यामा किसकी रचना है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, यामा किसकी रचना है, भवानी प्रसाद मिश्र की है, महादेवी वर्मा की है, आज्ञा की है या मुक्तिबोध की है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, यामा किसकी रचना है, बहुत महत्वपूर्ण रचना है भाई ये, जाने कितनी बार एग्जाम में आई है ये, और इससे आसान प्रश्न क्या ही कोई होगा। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा, भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं है, आज्ञा की नहीं है, मुक्ति बोध की नहीं है, सभी को पता है और सबका सही है, यामा महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा की और भी रचनाएं हैं, जैसे निहार है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है, रश्मि है, नीरजा है, दीपशिखा है, और महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और यामा रचना जो है महादेवी वर्मा की, जो आपसे पूछा है, इस पर महादेवी जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ठीक है। यामा रचना पर महादेवी जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, कब, सन 1982 ईस्वी में, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न है हमारा, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी है ये हमें बताना है, थकावट, बुराई, आलस्य या बुढ़ापा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या है, बुराई जो है ये भाववाचक संज्ञा है, ये भी ए ऑप्शन हमारा ऐसा है जो क्रिया से बनी है, थकान ये भाववाचक है और थकावट ये भी भाववाचक है, लेकिन थकना एक शब्द होता है, थकना ये क्या होता है, ये क्रिया होती है थकना, ठीक है, इस क्रिया से थकावट शब्द बना है जो कि भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। यदि यहाँ पे बूढ़ा होता तो जातिवाचक संज्ञा थी, लेकिन बुढ़ापा आया तो भाववाचक संज्ञा है, बुराई और आलस्य भाववाचक संज्ञा है ही दोनों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न है हमारा, किसी भी स्थिति में परिवर्तन न होने के भाव को व्यक्त करने वाली सही कहावत है, किसी भी स्थिति में परिवर्तन ना होने वाले भाव को व्यक्त करने वाली सही कहावत पूछी है कौन सी है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, जस दूल्हा तस बनी बरात, न दुख में मोटे न सुख में दुबले, न गरजे न बरसे, वही धूप की धूप, वही ढाक के तीन पात, कौन सा इसमें बिल्कुल सही है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए
आंसर ले लेते हैं क्या होगा। अच्छा प्रश्न है ये। चलिए आंसर ले लेते हैं क्या होगा। जस दूल्हा तस बनी बरात, मतलब समान प्रवृत्ति का, जैसा दूल्हा है वैसी ही बरात है, जैसा दूल्हा है वैसी ही बरात है। न सुख में मोटे न दुख में दुबले, मतलब कोई इंसान ऐसा है वो एक ही स्थिति में रहता है हमेशा। यदि सुख आ जाए तो मोटा नहीं होता और दुख आ जाए तो पतला नहीं होता। न गरजे न बरसे वही धूप की धूप, ये भी नहीं होगा इसका, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, वही ढाक के तीन पात। इन सब में अंतर हो सकता है लेकिन ये जो है ये सब एक दूसरे की तुलना में है, लेकिन ढाक के तीन पात ये किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? क्योंकि ढाक के जो पत्ते होते हैं ना, आपने बेलपत्थर देखा होगा, बेलपत्थर के पत्ते देखे हैं, हमेशा एक जो डंडी होती है उस पर तीन होते हैं, और वो आप दुनिया के किसी भी पेड़ पर जाके देख लेना, वो ऐसे ही मिलेंगे आपको। कभी ऐसा नहीं मिल सकता कि एक पे एक मिल जाए, तीन ही मिलेंगे हमेशा। तो ये वही ढाक के तीन पात हमेशा एक जैसे रहते हैं, परिवर्तन होता ही नहीं है इसमें। ऐसा नहीं है कि छोटे पत्ते हैं तो वो एक होगा, वो जब छोटे छोटे निकलते हैं ना पत्ते, जब भी तीन ही होते हैं, तो इसलिए वो एक जैसे ही होते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, सह सह तथा सह में क्या समानता है। तीनों सह दी हुई हैं और पूछा है कि इनमें क्या समानता है। सभी संयुक्त व्यंजन हैं, सभी उष्म व्यंजन हैं, सभी द्विगुण व्यंजन हैं, सभी शुद्ध व्यंजन हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, क्या समानता है इन तीनों में। आज पोल नहीं है लेकिन मैं एक प्रश्न आपसे पूछ रही हूँ, जिन्हें हिंदी ज़्यादा अच्छी आती है भाई, बिना सोचे समझे, मतलब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ऐसे कि तुम 10 घंटा सोचो तब बताओ। 69, 79 और 89 लिख कर दिखाओ जल्दी से, जल्दी से कमेंट कर दो बिना सोचे। 69, 79 और 89 जल्दी से कमेंट करो भाई, मैं देखती हूँ आपको हिंदी कितनी आती है। आजकल के बच्चों की सिट्टी विट्टी गुल हो जाती है यदि ऐसे पूछ लो 69, 79 और 89। चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, और इस प्रश्न का भी आंसर ले लेते हैं क्या होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, सभी उष्म व्यंजन हैं, ठीक है, सह 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 उष्म व्यंजन हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, सच्चा शब्द इन वर्णों से मिलकर बना है। सच्चा शब्द इनमें से किन वर्णों से मिलकर बना है ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और आपको ये देखना है कि कौन सा सही है इनमें से, ठीक है। ए ऑप्शन सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, सच्चा शब्द जो है ये किन वर्णों से मिलकर बना है। अच्छा प्रश्न है भाई। चलिए आंसर ले लेते हैं क्या होगा। सच्चा शब्द ए ऑप्शन नहीं होगा भाई, गलत है। बी ऑप्शन भी नहीं होगा भाई, गलत है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कैसे सही होगा ये भी मैं बता रही हूँ। सह पूरा लिखा हुआ है, चा भी पूरा लिखा हुआ है, लेकिन ये जो बीच वाला आधा च है, चै से पहले वाला, ये आधा लिखा हुआ है, ठीक है। जो शब्द आधा लिखा हुआ है, जो वर्ण आधा लिखा हुआ है उसके नीचे हम हलंत लगा देते हैं। हलंत लगाने का मतलब होता है कि ये वर्ड पूरा नहीं है, आधा है, ठीक है। तो इसमें जो चै वर्ण है वो आधा है, इसलिए चै के नीचे हलंत लगेगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती थी, यह वाक्य है। संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, साधारण वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती थी, भाई माँ तो माँ होती है और सबकी माँ एक जैसी होती है। माँ यही चाहती है कि उसके बच्चे पढ़ें,
इसलिए जोर देती होंगी माँ पढ़ाई पर। चलिए आंसर ले लेते हैं। माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती थी। आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें पर आया है, लेकिन ये पर परंतु के अर्थ में नहीं है, अलग के अर्थ में नहीं है, ये पर इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, पढ़ाई पर। तो इसमें कौन सा वाक्य है? ये साधारण वाक्य है, ठीक है, ये संयुक्त वाक्य नहीं है। आप सोच रहे होंगे ये पर लगा हुआ है, पर संयुक्त वाक्य में लगता है, तो इसमें संयुक्त लगा दें। ये वैसे संयुक्त वाक्य की तरह पर यूज नहीं हुआ है। मैं स्कूल गया पर मैंने पढ़ाई नहीं की, वो एक अलग बात है। उसमें दो सेंटेंस, दो अनुवाद अलग अलग जुड़े हुए हैं, दो वाक्य जुड़े हुए हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा इतना बड़ा रसगुल्ला, इसमें चिन्ह कौन सा लगेगा ये आपको बताना है। इतना बड़ा रसगुल्ला, शायद 5 किलो का एक देख लिया होगा जब ऐसे बोला इतना बड़ा रसगुल्ला। चलिए आंसर ले लेते हैं। ये भी नहीं होगा प्रश्नवाचक, ये नहीं होगा, ये नहीं, ओ डी नहीं होगा, सी ऑप्शन सही होगा। विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा, क्योंकि इतना बड़ा रसगुल्ला मतलब ज्यादा बड़ा देखा है, आश्चर्य हो रहा है देख के, इतना बड़ा रसगुल्ला। जब आश्चर्य होता है किसी चीज को देखकर तो वहां क्या होता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। चलिए सी ऑप्शन सही है भाई यहाँ पे। प्रश्न है हमारा विश्लेषण का विलोम है, विश्लेषण का विलोम क्या है ये हमें बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, अच्छा प्रश्न है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। चलिए विश्लेषण, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि विश्लेषण क्या होता है, और इसका जो विलोम है वो ए है संश्लेषण, लेकिन कैसे है ये जानेंगे, ठीक है। विश्लेषण कहते हैं अलग करना या छानबीन करना, ठीक है, उसे कहते हैं हम विश्लेषण। मतलब सीधे अर्थों में बोला जाए तो किसी समस्या को हल करने के लिए टुकड़ों में बांटना, टुकड़ों में बांटना जो है उसे कहते हैं हम विश्लेषण। लेकिन किसी चीज़ के, किसी समस्या को हल करने के लिए टुकड़ों में बटी हुई है वो, उसको एक करना, उसे संश्लेषण कहते हैं। टुकड़ों में एक को अनेक करना तो विश्लेषण है, अनेक को एक करना संश्लेषण है। समझ में आ रहा होगा, एक है उसको अनेक करना, उसको टुकड़ों में बांटना, ये तो हो गया विश्लेषण। लेकिन अनेक है उसको एक कर रहे हैं, ये है संश्लेषण, ठीक है। आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। संश्लेषण का मतलब है जोड़ना और विश्लेषण का मतलब है अलग करना। संप्रेषण क्या होता है, जैसे मैं बोल रही हूँ यही संप्रेषण है, मैं अपनी बात को बोलकर ही तो आपको समझा रही हूँ, और इसमें एक भाषा को मैंने माध्यम बनाया है जिस भाषा से मैं आपको समझा रही हूँ, और इसलिए इस भाषा का प्रयोग कर रही हूँ कि वो भाषा आपको आती है, ठीक है। तो संप्रेषण कहते हैं किसी सामान को या किसी बात को या किसी सूचना को भेजना या पहुँचाना। मैं आपको ये अपनी जो बात है वो संप्रेषण के माध्यम से ही तो पहुँचा रही हूँ आप तक, आप मेरी बातें सुन रहे हो, है ना। सूचनाओं का आदान प्रदान उसे संप्रेषण कहते हैं। चलिए देख लेते हैं श्लेषण। श्लेषण क्या होता है, ये भी एक संयोग करने के अर्थ में आता है, जोड़ने के अर्थ में आता है। संक्षेपण किसे कहते हैं, किसी बात को कम शब्दों में समझा देना, उसे कहते हैं संक्षेपण। जैसे एक पूरी कहानी होती है और उसके नीचे 4-5 लाइन लिखी होती हैं,
कहानी का उसमें छोटा सा संक्षेप रूप लिखा होता है। मतलब उसमें क्या लिखा होता है कि इसमें एक बेटा है, एक माँ है, एक पत्नी है उसकी, उसके बारे में बात हो रही है, वो है संक्षेप। ठीक है, सही। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्न में सुधा का समानार्थी शब्द है। सुधा का समानार्थी शब्द कौन सा है? विष है, अमृत है, पुष्प है या होठ है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। जल्दी से आंसर दीजिए भाई कमेंट बॉक्स में। सुधा कहते किसे हैं? सुधा अमृत को कहते हैं, बी ऑप्शन सही है। विष को नहीं कहते, पुष्प को नहीं कहते, होठ को नहीं कहते। ठीक है, सुधा अमृत को कहते हैं, तो समानार्थी भी अमृत ही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, पिरामिड बहुत बड़े और ऊंचे हैं, मैं कितने विशेषण हैं? पिरामिड बहुत बड़े और ऊंचे हैं, इसमें विशेषण बताने हमें कितने प्रयोग हुए हैं? एक, तीन, दो या एक भी नहीं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अच्छा प्रश्न है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा इसका आंसर। पिरामिड बहुत बड़े और ऊंचे हैं। आप सोच रहे होंगे कि बहुत बड़े और ऊंचे तीन हो गए, लेकिन नहीं, बहुत विशेषण नहीं है यहाँ पर, बड़े और ऊंचे बस ये दोनों विशेषण हैं, बहुत विशेषण नहीं है, बड़े और ऊंचे। ठीक है, ये विशेषण है, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। पिरामिड बहुत बड़े और ऊंचे हैं, इसमें दो विशेषण हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, मुझे 12वां साल लगा था, इस वाक्य में 12वां क्या है? मुझे 12वां साल लगा था, इस वाक्य में 12वां क्या है, ये आपको बताना है। क्रम बोधक विशेषण है, गणना बोधक विशेषण है, परिमाण वाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। अच्छा प्रश्न है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। मुझे 12वां साल लगा था, 12वां मतलब क्या है इसका? जब कोई चीज़ क्रम से हो रही है, मतलब जब 12वां है तो उससे पहले 11वां, 10वां, 9वां, 8वां ये सब भी हुए होंगे, मतलब एक क्रम चल रहा है किसी चीज़ का। जब एक क्रम चल रहा हो तो उसे क्या कहते हैं हम? क्रम बोधक विशेषण कहते हैं। ठीक है, संख्यावाची विशेषण के अंतर्गत आते हैं ये क्रम बोधक विशेषण। 12वां, 13वां, 15वां, 9वां यदि ये हो तो उसमें क्या होता है? क्रम बोधक विशेषण होगा। एक और है, ऐसे शब्द भी होते हैं जैसे प्रथम पुरस्कार, मतलब द्वितीय भी होता है कोई, तो जो क्रम है उसे क्या कहेंगे हम? क्रम बोधक विशेषण। जैसे दूसरी मंजिल, दूसरी मंजिल है तो ऐसा नहीं है डायरेक्ट दूसरी मंजिल है, पहली मंजिल भी होगी। तीसरा व्यक्ति, मतलब व्यक्ति तीन है, पहला व्यक्ति भी होगा कोई, दूसरा व्यक्ति भी है और हम तीसरे की बात कर रहे हैं। यहाँ क्रम है, जब क्रम होता है कहीं पे तो वहाँ क्या होता है? क्रम बोधक विशेषण होता है। गणना बोधक नहीं होता है, परिमाण वाचक नहीं होता है, गुणवाचक नहीं होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, जूता कौन सा शब्द है? जूता कौन सा शब्द है ये बताना है, किस भाषा का शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशी है? जूता जो है वो कैसा शब्द है? चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, जूता कैसा शब्द है भैया? कौन सा नहीं होना चाहिए था, कैसा होना चाहिए था, है ना? मतलब लाइन सही से बन नहीं रही, जूता कैसा शब्द है ये सही बन रहा है ना। चलिए कैसा है? तद्भव नहीं है, तत्सम भी नहीं है, विदेशी तो बिल्कुल नहीं है, देशज शब्द है। ठीक है, देशज शब्द है जूता। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर।
प्रश्न है हमारा काली घटा का घमंड घटा इस पंक्ति में अलंकार है। काली घटा का घमंड घटा इस पंक्ति में अलंकार बताना है कौन सा है। यमक अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है, रूपक अलंकार है या उपमा अलंकार है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, प्रश्न बहुत अच्छा है और कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा इसका आंसर। काली घटा का घमंड घटा, जो काली घटा है मतलब घटा से मतलब बादल हैं, जो काले बादल हैं, जो चारों तरफ काले बादल घटे हुए थे, छाए हुए थे, उनका क्या हो गया, घमंड क्या हो गया। इस घटा का मतलब है कम और इस घटा का मतलब है बादल, ठीक है। जो चारों तरफ काले बादलों का घमंड घटा हुआ था वो क्या हो गया, अब कम हो गया। इस घटा का मतलब कम है और इस घटा का मतलब बादल है। जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग में आए और हर बार अर्थ अलग हो वहाँ यमक अलंकार होता है, ठीक है। तो इसमें काली घटा का घमंड घटा यमक अलंकार है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। जीवन निर्वाह में कौन सा समास है, शब्द दिया है जीवन निर्वाह है और हमें बताना है समास कौन सा है इसमें। तत्पुरुष है, कर्मधारय है, द्वंद है और द्विगु है, कौन सा है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा जीवन निर्वाह शब्द में समास। इसका पहले समास विग्रह करेंगे भाई। जीवन निर्वाह का समास विग्रह कैसे होगा, जीवन का निर्वाह है, ठीक है, जीवन का निर्वाह है। तो इसमें कारक विभक्ति आई है, जिसमें कारक विभक्ति आती है उसमें तत्पुरुष समास होता है, ठीक है, संबंध तत्पुरुष समास है इसमें। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है आचरण की शब्दता किसका निबंध है, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, सरदार पूर्ण सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और जाने कितनी बार एग्जाम में आया है, और इससे आसान प्रश्न क्या ही कोई होगा। अच्छा प्रश्न है और आसान भी है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए आंसर ले लेते हैं, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है, सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है भाई। सरदार पूर्ण सिंह के और भी निबंध हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे सच्ची वीरता एक इनका निबंध है जो बहुत महत्वपूर्ण है, मजदूरी और प्रेम ये इनका निबंध है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, हम अर्थ को कितने तरह से समझते हैं हम अर्थ को, ये हमें बताना है, 1, 2, 3 या 4। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, कितनी तरह से समझते हैं हम अर्थ को। मैं आपको जो बोल रही हूँ मेरी बातों को आप कितने तरह से समझते हैं, इस बात से भी इसका अंदाज़ा लगा के आप बता सकते हैं, 1 तरह से, 2 तरह से, 3 तरह से या 4 तरह से। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा, 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। हम अर्थ को 2 तरह से समझते हैं, किसी भी संवाद को सुनते हैं जब हम, तो उसे 2 तरह से समझते हैं। कैसे समझते हैं, पहला है भाई हम अर्थ के आधार पर समझते हैं। कोई इंसान हमसे कुछ बोल रहा है, हम उसका अर्थ पता होगा तभी तो हम समझेंगे उस बात को। और दूसरा होता है पूर्व ज्ञान के बारे में, ठीक है, पूर्व ज्ञान के बारे में, पूर्व ज्ञान के आधार पर हम उस बात को समझेंगे, क्योंकि हमें पहले से पता है कि इसे ये कहते हैं, ठीक है। कोई नया शब्द आपके सामने बोल दिया जाए तो आपको या तो पहले से पता हो, वो पूर्व ज्ञान के आधार पर आप बताएंगे, या फिर अर्थ के आधार पर बताएंगे कि इसका अर्थ ये है। तो जैसे मैं पर्यायवाची पूछती हूँ,
या तो आप पूर्व ज्ञान के आधार पर बताते हैं कि इसका अर्थ ये है, हमने पहले पढ़ा है, या फिर आप इसका अर्थ निकालते हैं जब आप बताते हैं, ठीक है। और कोई तीसरा तरीका नहीं है, दो ही तरीके हैं अर्थ को जानने के या समझने के। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, कौन सा धन जिसे राजा सरकारी राजकोष में नहीं रख सकता? विद्या है, स्वर्ण है, हीरा है, या सभी है? कौन सा धन ऐसा है जिसे राजा सरकारी राजकोष में नहीं रख सकता? बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, और इससे आसान क्या ही कोई प्रश्न होगा। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा इसका आंसर भाई? हीरा और सोना, इन दोनों को तो सभी रख सकते हैं तिजोरी में या राजकोष में, ठीक है। तिजोरी में या राजकोष में हीरा और सोना को तो रखा जाता है। सभी इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये ऑप्शन छूट गया है हमारा, विद्या। विद्या क्या है? विद्या वो धन है जिसे हम किसी भी तिजोरी में या किसी भी राजकोष में नहीं रख सकते, यहाँ तक कि किसी से बांट भी नहीं सकते। विद्या ऐसा धन है जिसे न चोर चुरा सकता है, न अग्नि जला सकती है, न पानी गीला कर सकता है, उसे कोई नहीं ख़त्म कर सकता, कोई बांट भी नहीं सकता। विद्या ऐसा धन है, पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा धन है जो इंसान के पास जितना है वो उसके ही पास रहता है, जिसका बंटवारा नहीं होता। किसी भी स्थिति में इस धन का बंटवारा नहीं हो सकता, और ना ही इसे किसी राजकोष में या किसी तिजोरी में रखा जा सकता, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, मैं खाना खा चुका तब वह आया, यह वाक्य है। मैं खाना खा चुका तब वह आया, यह कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संक्षिप्त वाक्य है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, अच्छा प्रश्न है, आज के सेशन का लास्ट प्रश्न भी है, जल्दी से आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। जल्दी से आंसर दीजिएगा भाई। भाई हमारे यहाँ हिंदी बोली जाती है, और हिंदी को ही ज़्यादातर लोग हिंदी ही बोलते हैं, इंग्लिश तो कोई बोलते हैं, लेकिन जो ज़्यादा स्टाइल में इंग्लिश बोलते हैं उनसे भाई एक प्रश्न है मेरा, बुरा मानने की बात नहीं है, और मान भी ले तो क्या है, ठीक है। इंग्लिश वाले बताएंगे कि जब कुत्ता काट ले आपको, या कुत्ता आपके पास आए, तो हैटेट क्यों बोलते हो उससे? एक्सक्यूज मी बोला करो भाई, पता है क्यों बोलते हो आप हैटेट उससे? आप हिंदी भाषा में जब भी हम परेशान होते हैं तो किसको याद करते हैं पता है आपको? अपनी माँ को याद करते हैं। कभी आपने देखा है आपको चोट लग जाए, बहुत ज़ोर से चिल्ला रहे हो पापा, ऐसा नहीं होता ना, किसको चिल्लाते हैं? मम्मी को चिल्लाते हैं, मम्मी, है ना। कोई भी चोट लग जाए किसी को भी, तो माँ ही निकलता है मुँह से। तो हिंदी हमारी माँ ही तो है, मातृभाषा ही तो है, इसलिए जब हम किसी परेशानी में होते हैं तो मातृभाषा ही निकलती है हमारे मुँह से, एक्सक्यूज़ मी नहीं निकलता है, ठीक है। इस बात का सेंस ये है। चलिए मैं खाना खा चुका हूँ, इसमें कौन सा वाक्य है? ये मिश्र वाक्य है, तब लगा हुआ है, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ सही है। इतने देर तक बने रहने के लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद, सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब भाई करते रहिएगा। आप सभी से विनम्र निवेदन है भाई, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और रोज़ बने रहिएगा सेशन में। धन्यवाद।